ये बकचोदी है, यू कांट राइट दिस, यू कांट राइट दिस। ये अलग लेवल का ट्रोल चल रहा है, अलग लेवल का। फुटबॉल खत्म हो गया, बट फुटबॉल का जगत नहीं। अब तो अंगारे स्टार्ट होंगे, अब बकचोदियां स्टार्ट होंगी, क्योंकि ट्रांसफर एंड बार्सिलोना है द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज बैक अगेन। एक और स्वॉप डील जो पहले आर्थर प्यानिच की बकचोदी थी, जो अभी तक तुम पता आर्थर, तुम पता प्यानिच 14 मिलियन कमाता है बार्सिलोना में एनुअली, ऐसे कुछ है। एंड सुआरेस द हाईएस्ट अर्नर ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, लुइस सुआरेस, वो भी 14 मिलियन कमाता है। यानी कि द हाईएस्ट अर्नर ऑफ एटलेटिको मैड्रिड इज इक्वल टू प्यानिच, जो मिड में कहीं ना कहीं बार्सा में अर्निंग्स में 14 मिलियन। बट वो लोग बकचोदी है। एक और नई खबर आई है, याद है जब 15 जून 2018 जब बार्सा के ऑफर आ रहे हैं, जब यूनाइटेड मैड्रिड हर कोई लक कर रहा है, ठीक है, ग्रीज़मन एक स्पेशल बंदा एटलेटिको का, ठीक है, इसको बाय करते हैं, इसका वर्ल्ड कप होने वाला सब, ठीक है। बंदे ने प्रॉपर स्पेशल वीडियो बनाई एटलेटिको फैंस के लिए कि आई एम स्टेइंग, प्रॉपर पोस्ट करा आउटसाइड वांदा मेट्रोपोलिटानो न्यू स्टेडियम की हाँ हम और मूवमेंट्स जियेंगे एक साथ, वो सब बकचोदी। एंड देन अगले साल चला गया एंड एक और मूवी स्टार्ट बना के कि हाँ मैं लीव कर रहा हूं। जब बार्सा का ऑफर आया 120 मिलियन का, जो भी बार्सा ने इंस्टॉलमेंट्स में कहीं ना कहीं पे किया था, प्रॉपर लड़ाई हुई थी एटलेटिको मैड्रिड की और बार्सा की कि पैसों की बकचोदी हो रही, सब प्रॉपर चला था 5-6 महीने तक लिटरली, एंड मूवी शायद अभी तक भी चल रहा है, मुझे पता नहीं। तो ग्रीज़मन ने इतनी बकचोदी क्रिएट करी वो ट्रांसफर करके स्पेशली, एंड नाउ ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक। ग्रीज़मन और साउल स्वॉप, मुझे पता अभी जो मैंने पढ़ा लिटरली अभी भैंसो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो कह रहे कि साउल को हटाओ और जॉव फिलिक्स को लाओ, जो भी बकचोदी, बट आई स्टिल थिंक कि ग्रीज़मन साउल काफी इमिनेंट है, काफी एडवांस स्टॉक है वो सब बकचोदी, एंड ग्रीज़मन विल कम बैक टू एटलेटिको मैड्रिड। उनके पास ऑलरेडी जॉव फिलिक्स पड़ा है, अंकिल कुर्रिया, थॉमस लिमर, लुइस सुआरेस, एंड ग्रीज़मन विल कम बैक। डोंट गेट मी रॉन्ग, उसने 5 साल में 94 गोल मारे थे, ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर, यू कांट से कि ग्रीज़मन एक लैंड प्लेयर है, वो वर्ल्ड कप विनर है प्लीज तमिज से, एंड वो अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बार्सा, उसने काफी कंट्रीब्यूट किया है, 20 गोल मारे थे, 12 असिस्ट, वो सब बकचोदी, 8.99 XG, काफी स्टार्ट सटे पड़े दवा के, तो वो क्रिएट करा कि रोनाल्ड कुमार का काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, 45 स्टार्ट से तमिज से प्लीज, तो यू कांट से एक बायगॉन प्लेयर था, नहीं तमिज से प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्लेयर था, काफी पासेस, काफी कनेक्शन, ठीक है। तो यही होता ना, जब वो खेल रहा था तब बोलते कि यार कर क्या रही, बट जब वो जाएगा देन यू फील कि ओके भाई, मतलब बंदे का कुछ तो एक से था प्ले में, ऑफेंसिव स्लिप स्पेशली, डिफेंसिव टैकल स्पेशली, वो लेफ्ट विंग, तुमको पता, यू कांट से कि ग्रीज़मन हैज बीन अ फ्लॉप बार्सा में। ऑब्वियसली उसका प्राइस टैग बहुत गंदा था, तो ऑब्वियसली हाँ ठीक है, बट इट्स टफ यार, यू वोंट गेट द सेम ट्रीटमेंट तुमको एटलेटिको मिलेगी इन बार्सा, बार्सा में मेसी ऑलरेडी, यू कांट बोरिंग मैन, इतनी फ्रीडम मिलेगी नहीं, बट आई स्टिल थिंक यू डिड वेल, मतलब वेल क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर हु डिड वेल आफ्टर नेमार वेंट टू PSG, नेमार इवेंट बेस्ट क्या और कौन था, कुटीनो ने हगा, दिम्बेले, ग्रीज़मन आई थिंक हैज डन द बेटर आउट ऑफ ऑल दोस, तो हम मतलब ही इज बीन अ गुड प्लेयर एंड इज अ गुड प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, लिटरली ग्रेट प्लेयर, एंड आई थिंक इफ ही ज्वाइंस एटलेटिको बैक, मतलब चोलो विल फाइंड अ वे उसको फिर से फिट करने का, विच विल बी वेरी क्रेजी। मतलब तुम मानो कि तुम शाहरुख खान हो बहनचो, घर छोड़ के जा रहे हो कि मम्मी हाँ मैं कुछ बन के आऊंगा, माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ कुछ बन के आऊंगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ माँ, एंड वापस आ गए, वापस माँ खाना बना, वापस माँ वही बकचोदी स्टार्ट होगी। तो ग्रीज़मन का ये पूरा साइकिल इज अ जोक, इट्स अ ट्रोल। एंड साउल निग्वेस, एंड साउल उसका 6-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एटलेटिको मैड्रिड में, मुझे अभी तक फायदा नहीं होता कि 6-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ही लुक लाइक कि ही बी एटलेटिको में प्रॉपर अलॉन्ग साइड कोके, सब कुछ विल प्रॉपर एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर, एल्चे से आया प्रॉपर, 9 साल बिता चुका लालीगा में, एक्सपीरियंस बंदा प्लीज। एंड आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूं, कोई कंपैरिजन है नहीं ऑब्वियसली, दो ये भी काफी बैलेंस बुक करने के लिए, इसमें अभी आएंगे वो बकचोदी पे, जो पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, मेस्सी को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पता नहीं क्या चल रहा है, बट साउल निग्वेस एक साउल एक ऐसा बंदा जो लेफ्ट फुटेड बंदा है, तो बार्सा में कोई लेफ्ट फुटेड बंदा है नहीं मिडफील्ड में स्पेशली, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्वॉप इफ इट हैपेंस फॉर बार्सिलोना इन माय ओपिनियन, क्योंकि बार्सिलोना गेट अ ग्रेट मिडफील्डर, दे नीडेड अ मिडफील्डर, कहीं ना कहीं वैनाल्डम प्लीज, तमिज से दे नीडेड हिम प्लीज, एंड साउल हर कहीं, वो कहीं भी खेल लेगा, वो लेफ्ट बैक खेल लेगा, वो विंगर खेल लेगा, भोजपुरी वो स्ट्राइकर खेल चुका मैं देख रहा हूँ, वो डिफेंडर खेल चुका सेंटर बैक, मुझे याद है पिछले सीजन कुछ गेम्स में, तो ही इज अ प्रॉपर बुकायो साका ऑफ स्पेनिश फुटबॉल, मतलब इतना भी वो ब्लैक लाइव्स मैटर ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस बंदा, एंड द बायर्न म्यूनिख गोल हमको हर किसी को पता है, इट्स अ क्वालिटी प्लेयर, एक स्पेनिश क्वालिटी प्लेयर जो अर्न करेगा, जो फाइट करेगा टू बी 2022 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, एंड आई थिंक इफ ही गोज टू बार्सिलोना, जो काफी पॉसिबिलिटी लग रही है, लिवरपूल भी काफी लिंक्ड है मुझे पता, अभी तक हुआ नहीं डन ऑब्वियसली, बट आई थिंक ये हो सकता है, मतलब काफी इमिनेंट है भैंसोद,
आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मूव फॉर बार्सिलोना. इतना गोल कंट्रीब्यूशन देता नहीं, एक्सजी काफी कम रहता है, इवन असिस्ट पे रहते नहीं, बट इज मोस्टली एक डिफेंसिव वर्सटाइल वाला बंदा, समझ रहे हो, मतलब टेम्पो कंट्रोल करने वाला, कैन ऑल्सो टेक शॉट्स, वो सब बकचोदी, हैज स्कोर्ड सम स्क्रीमर्स, बट मोस्टली आई थिंक ही विंस द थर्ड मोस्ट ड्यूल्स फॉर एटलेटिको मैड्रिड मिडफील्ड में, सब बकचोदी. तो आई थिंक इट विल बी अ प्रॉपर अच्छी साइनिंग फॉर कूमन, ही वुड लव दैट. एंड ग्रेजमन भी जा रहा है, तुम्हारे पास डिपाई ऑलरेडी पड़ा है, कुटिनियो एंड देम्बेले दो जिनको जिनमें से एक को जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड देम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की हरकतें कर रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि इफ इट डजंट रिन्यू देन उसकी मां चोद देंगे लिटरली. सॉरी टू अब्यूज, बट हां मातियो अलेमानी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ये आखिरी साल है एंड ही इज नॉट रिन्यूइंग, जो अलग बकचोदी चल रही है, पता नहीं क्यों. एंड बार्सा में तो अलग ही बकचोदी चल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑलवेज कीप्स ऑन डिलीवरिंग, आई एम नॉट इवन जोकिंग. मुरीबा, एक ऐसा बंदा जो काफी थ्राइव कर रहा था पिछले साल अकेडमी से आके, ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज, ड्यू टू वेज बिल वाली बकचोदी, तुमको पता है, क्योंकि बार्सा कैन ओनली हैव अ मैक्सिमम वेज बिल ऑफ 165-167 मिलियन, विच इज 25% ऑफ व्हाट दे हैड 2 years अगो, विच वॉज 650 मिलियन. अगेन ये बकचोदी, 165 मिलियन का वेज बिल प्रॉपर, एंड मुरीबा से कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज, ही कांट जॉइन ट्रेनिंग, वो भी बार्सा बी में डाल दिया उसको, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का भी उसका आखिरी साल है. तो ड्यू टू ये बकचोदी, तो बार्सा में, एंड शॉकिंग बात, इतनी हरकतें, तुम प्लेयर रजिस्टर कर नहीं पा रहे, अग्वेरो बैठा, वो रजिस्टर नहीं अभी तक, ये रजिस्टर नहीं अभी तक, यानी कि अगर बाय चांस, अगर वैसे लगता तो है नहीं, बट अगर कुछ बकचोदी होती है एंड दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर, दे लीव, अग्वेरो डिपार्ट, दे विल गो, मतलब ये बहुत अनलाइकली है, ह्यूजली अनलाइकली, इट विल बी अ शेम. बट द शेम या फिर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि लपोटा कीप्स ऑन एडिंग प्लेयर, उसने मतलब इट्स नॉट लाइक कि ग्रेजमन इज गोइंग, उसको कोई खरीद रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस स्वॉप में 15 मिलियन का बेनिफिट है बार्सा को, क्योंकि ग्रेजमन कमाता है 25-30 मिलियन वेजेस एनुअली बार्सिलोना में, एंड साउल कमाता है 10 मिलियन एटलेटिको मैड्रिड में, सो वो सब बकचोदी. बट ग्रेजमन के अंट का एंटूराज इज डिमांडिंग कि जो वेज कट लेगा ग्रेजमन एटलेटिको में जाके, वो बार्सा पे करे, जो बार्सा ने करा था विद लुइस सुआरेस, तो बार्सा वो चाहती नहीं, तो उसमें भी बकचोदी चलती, मे बी तभी थोड़ी हरकत, अभी स्टॉल हो गया मूव कहीं ना कहीं. बट अगेन आई थिंक इफ इट हैपेंस इट्स अ क्रेजी थिंग, बट तो वेज बिल तुमको हटाने, वो सब बकचोदी, एंड ये सारे प्लेयर जा भी सकते हैं, एंड साउल आएगा, यानी कि डिस्पाइट तुम बंदे भर नहीं पा रहे, तुम एक और बंदे को बुला रहे, मतलब इट इज क्रेजी. एंड काफी थियोरीज है इसके बारे में, काफी लोग कह रहे हैं कि मे बी लपोटा इज पुटिंग प्रेशर तेबास पे कि मैं और बंदे लाता रहूंगा तक उनको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, विच इज हाइपोथेटिकल बकचोदी लिटरली. एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि दूसरे क्लब सपोर्ट करेंगे ला लीगा को, क्योंकि ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड इज सपोर्टिंग बार्सिलोना बाय साइनिंग ग्रीज़मन लिटरली, एंड उसको वेज कट पे रखना प्रॉपर, एंड देन फॉर बार्सा टू नॉट पे उसका, एंड इट्स क्रेजी. मेसी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले 2 साल का था, फिर एम्बेसडर रोल, फिर एमएलएस, वो सब बकचोदी नहीं, 5 साल यानी कि 39 की उम्र तक ही माइट स्टे, ये सब बकचोदी ठीक है. एंड ये मोस्टली वेज बिल को सपोर्ट करने के, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में स्प्रेड हो जाएगा, तो विच एनुअली कम करता उसको, वो सब बकचोदी. तो इट्स काफी जुगाड़ लगाया जा रहा है, एंड बार्सा हैज ऑलवेज बीन अबाउट जुगाड़. आई नो मोस्टली इट्स एवरीथिंग इज अबाउट बैटरी में उसकी बकचोदी. सो इज इट कमेंडेबल कि जो लपोटा कर रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वेरी टफ टू कमेंट इस टाइम पे, क्योंकि आई स्टिल डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि इट्स क्रेजी भाई, तुम इतने बंदे कैसे ला सकते हो, बार्सा ने 4 बंदे साइन कर लिए, मतलब कितने भाई वेज बिल के मामले में. एंड आई नो आई थिंक पीके ये सब बंदे अपना वेज कट लेंगे, मेसी ने 50% वेज कट लिया है, मेसी पहले 70-75 मिलियन कमाता था एनुअली, नाउ ही विल अर्न 30-35 विच इज क्रेजी. एंड काफी लोग कहते हैं कि मेसी की वजह से काफी ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है बार्सा में, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते थे इससे पहले. हाँ, यू कुड अग्री, यू कुड नॉट अग्री, बट उसने 30% लिटरली मर्चेंडाइज कमर्शियल ग्रोथ दी है बार्सा को टोटली, तो यू कांट ऑल्सो डिनाई दैट. तो मेसी के साथ आई वोंट प्ले, क्योंकि उसने काफी कुछ, यू कांट प्ले फाइनेंशियली, उससे यू कांट इंक्लूड उसको फॉल्ट्स में लिटरली, उसकी गलती नहीं, इट्स बार्टोमेओ का प्रॉपर फॉल्ट. बट अभी जो बकचोदी चल रही है, इट्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि उमतीती कमाता है 10-11 मिलियन भी, जो लपोट और डियास के बराबर है, जो सिटी में दोनों कमाते हैं. इट्स क्रेजी, बार्सा में जो हरकतें चल रही हैं, आई डोंट नो कितने प्लेयर रजिस्टर होते हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड, समथिंग इज हैपनिंग. काफी बकचोदी, कुटिनियो माइट स्टे, अंजू फाती, पेद्री, ऐसे प्लेयर्स अनटचेबल है. काफी लोग बोल रहे कि वेज बिल की वजह से क्या इनको कोई ल्योर कर लेगा, बट वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनकी वेजेस भी कम है बार्सा में अभी करंटली. दो पेद्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला तमीज से, एंड इफ एनी प्लेयर आई वुड लव टू हैव इज पेद्री, लाइक पेद्री इज अ ड्रीम प्लेयर, बट माकिचूत. बट ग्रेजमन साउल स्वॉप, गुड स्वॉप इन माय ओपिनियन, फाइनेंशियली मेक सेंस कहीं ना कहीं, इफ ग्रेजमन पे का डिमांड नहीं करता जो बार्सा पे करे, जो भी बकचोदी चल रही है. बट क्रेजी,
लालीगा इज क्रेजी, एटलेटिको मैड्रिड इज क्रेजी, बट मैड्रिड